नमस्कार दोस्तों, मैं विजय किशोर और आप देख रहे हैं ट्रिपल वी ओवरसीज। आज हमारे साथ में हमारे तुहीन विश्वास जी है, जिनका सिंगापुर का वीज़ा आया हुआ था, आज उनका फ्लाइट है। आइए हम उनसे सुनते हैं उनके बारे में। तुहीन जी, कैसा लग रहा है आपको सिंगापुर का फ्लाइट है आपका? बहुत अच्छा। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, थोड़ा हमें बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है और बुरा भी लग रहा है फैमिली के लिए, बट जाना तो है ही। तो आज मुंबई से मेरा फ्लाइट है 11:35 में और सिंगापुर चुनगा 7:30 में। कल तो कैसा रहा आपका ट्रिपल बी के साथ जुड़ के, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या सपोर्ट रहा हम लोग की तरफ से, कितना टाइम लगा है आपको, वो थोड़ा डिटेल में बताएंगे आप। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, मेरा लगभग प्रोसेस कंप्लीट होते होते मैं 4 महीने में प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। और आप तो पूरा जानते ही हो सब मेरा कौन सी प्रोफाइल के लिए हुआ है। और बाकी सब मुझे पता है, लोगों को पता नहीं है, लोगों को भी बताओ। मेरा मेंटेनेंस इंजीनियर में हुआ है एंड एस्पल वीज़ा मिला है और बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। एंड सपोर्ट भी बहुत मिला, हाँ उन लोगों का पूरा सपोर्ट मिला 100% जी। और मेरा कोई शिकायत नहीं, बहुत ही सपोर्ट मिला, इतना फैमिलियर है वो लोग। हाँ ट्रिपल बी, आप लोग भी आइए, मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, आप लोग भी आइए, आपका भी काम होगा। आप लोगों का अगर कुछ ड्रीम है, कुछ करने का, कुछ बड़ा वाला कुछ करने का है, तो आप लोग भी आ सकते हैं। लाइक तुहीन जी, मैं आपकी फैन पर काम कर रहा हूँ। हाँ तो सर वीडियो बनाते हैं, सर बोलते हैं कि हमारी टीम का कोऑर्डिनेशन का कैसा रहा, हमारी टीम का बारे में बताइए। आज मैं खुद ही वीडियो बना रहा हूँ तो आज मेरे आप जो बोलना चाहते हैं आज मुझे सामने से बोल सकते हैं, ऑडियंस को बोल सकते हैं, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं उनको बोल सकते हैं कि हम लोग काम कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे होता है, काम करने का तरीका क्या है। अगर हम किसी बंदे के ऊपर काम करते हैं एक्स वाई जेड, तो उसका काम करने का प्रेजेंटेशन कैसा होता है, क्या टाइमिंग रहती है, वो थोड़ा ऑडियंस को बताएं आप। काम करने का तरीका तो बहुत ही अच्छा है, वो पूरा गाइड मिलता है और डॉक्यूमेंटेशन, खास करके पूरा डॉक्यूमेंटेशन अच्छा अच्छे से प्रिपेयर करते हैं लोग। और दादा ने तो पूरा रात में 3-4 बजे तक फ़ोन करके मेरे को पूरा सपोर्ट दी, स्टडी मटेरियल से लेकर बाकी सब कुछ प्रोवाइड करा गया था। बाकी थैंक यू, एंड थैंक यू भी कम है, बहुत ही कम है। और क्या बोलना, मैं तो स्पीचलेस हूँ अभी भी। हाँ देखो, वो हमारा काम है, हम अपना काम करते हैं और खुशी होती है जब हम यहाँ पे आते हैं। वो तो होते हैं, बट आप लोगों की वजह से मेरा काम हुआ है वही। हाँ तो बाकी आप कुछ अपने ट्रिपल बी फैमिली के जो सदस्य हैं, जो लोग हैं, जो वीडियो देखते हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ लोगों को डाउट रहता है कि हमें करना है नहीं करना है, अभी भी कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कि हमें शिकायत करते हैं कि नहीं सर आप वीडियो पे आप मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं। लाइक आज ही मेरे को समथिंग 150 मेरे को कॉल आए हैं, आज मैं बॉम्बे में वैसे हूँ, आज मुझे 150 कॉल आए हैं तो मैं आज फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया। अब उन लोगों का शिकायत होगा, नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि बहुत सारा काम होता है तो फ़ोन आएगा तो सब पूरा टाइम तो फ़ोन रिसीव नहीं कर पाएगा। तो जब मेरा तो जब मेरा भी फ़ोन करता था तो फ़ोन रिसीव नहीं कर, बहुत बार करते थे, कई बार हुआ है मैंने आपका फ़ोन काट के दिया है, काट दिया था, तो बाद में फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके पूरा डिटेल्स और व्हाट्सएप पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है। एक सिंपल सा फंडा है, अगर मैं आपकी फाइल पे काम कर रहा हूँ एक्स वाई जेड कोई भी है, लाइक मैं तुहीन की फाइल पे मैंने काम किया था, तो मैं तुहीन को कभी भी फ़ोन करता था, मेरा जब मन होता था मैं फ़ोन करता था, क्योंकि मैं उसकी फाइल पे काम कर रहा हूँ और मुझे काम करना है। जिस दिन आपका नंबर आएगा, आपका टर्न आएगा, मैं आपको फ़ोन करूँगा, वो डे हो, नाइट हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, कुछ भी हो, मेरे को जब मेरे को टाइम लगेगा मैं आपको फ़ोन करूंगा और आपका काम होगा, बस थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। जिसका नहीं होगा मैं सामने से फ़ोन करके बोल दूंगा कि आपका नहीं हो पाएगा, बाकी जो भी है सबका काम होगा। और आपका मैकेनिकल इंजीनियर एस पास, मेंटेनेंस इंजीनियर सॉरी एस पास, परफेक्ट। तो आपकी आज फ्लाइट है, आज आप यहाँ से निकल जाएंगे। देखिए हम लोग खड़े हैं बॉम्बे से, बॉम्बे पर खड़े हुए हैं, एयरपोर्ट पर हैं, टर्मिनल 2 पर है और वैकेंसी अभी अवेलेबल है। मेंटेनेंस इंजीनियर का मैं वैकेंसीज है, मेंटेनेंस हो या फिर मैकेनिकल वाले हो, कोई भी आए अपना अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, घंटी बजाना ना भूलें, धन्यवाद।